रैली में जाते हुए किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की। जी हाँ, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्र हुए, जहां से किसान भाजपा द्वारा कृषि कानून के समर्थन में रुद्रपुर में निकाली जा रही रैली के खिलाफ काले झंडे लेकर रुद्रपुर को रवाना हुए। किसानों की बड़ी संख्या में रुद्रपुर निकलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अनन फानन में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसानों को रुद्रपुर जाने से रोकने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की देखने को मिली। रुद्रपुर जाने से रोकने पर आक्रोशित किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर धरना प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा किसान पुलिस के वाहनों को भी धक्का देते हुए नजर आए। मौके पर पहुंचे काशीपुर एसपी राजेश भट्ट ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर किसानों को रुद्र रूप जाने की अनुमति दी, जिसके उपरांत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया और रुद्रपुर में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने का भरोसा दिया। वहीं एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि रुद्रपुर जा रहे किसानों को पुलिस की एक्सकार्ट के साथ गांधी पार्क तक भेजा गया है, जिसके रैली निकाल रहे किसानों और आक्रोशित किसानों के बीच विवाद उत्पन्न ना हो सके। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सहित की यह रिपोर्ट। दीदी है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। वहाँ जाके हम जो भी करना है प्रदर्शन वहीं पर ही करेंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज किस तरह से धक्का मुक्की हुई है? ये पुलिस हमें रोक रही थी, हमने जाना, हमने तो मजलिस में सूत्र में पहुँचना है, अब हम जाना है, हमें शांति से जाएंगे। हमारा पूरा इंडिया में शांति से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में सब धरने पर शांति पर बैठे हुए हैं, क्या हम यहाँ दंगा करेंगे क्या? ये लड़के सब हमारे अंडर में है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब कहना मानते हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, झगड़ा नहीं होगा, पुलिस वाले मान गए हैं, हम शांति में ही जा रहे हैं अब। ठीक, तो किसान बिल के विरोध में जो किसान यहाँ से जा रहे थे उनको रोका यहाँ पर गया था, क्योंकि रुद्रपुर जा कर के आपस में कन्फ्रंटेशन वगैरह होता, तो इसमें इनके जो किसान नेता हैं यहाँ उनका ये कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे गांधी पार्क में, तो एस्कॉर्ट करके हमारी गाड़ियों के साथ उनको भेज दिया गया है। सर, जिस तरह से फिलहाल इतना रोकने में ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्रंटेशन वगैरह हुआ नहीं है, उन्होंने हमारी बात मानी है, तो अभी शाम तक देखते हैं, अगर पीसफुल उनका डेमोन्स्ट्रेशन रहता है गांधी पार्क में तो फिर उसके बाद जैसा भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।